नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। आपके साथ मैं शुभम सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे रायपुर से। बीजेपी कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भिड़ंत हुई है। सिंधिया को काले झंडे दिखाने के दौरान मारपीट हुई है। पुलिस के साथ भी बीजेपी के कार्यकर्ता भिड़ गए। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सिंधिया को काले झंडे दिखाने की कोशिश की। पुलिस का बीजेपी कार्यकर्ताओं पर गाली देने का आरोप है। तो वहीं पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने पुलिस से मांगी माफी और कार्यकर्ताओं के गाली देने पर मूणत ने उनसे क्षमा मांगी, माफी मांगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने कार्यकर्ताओं के गाली देने पर मूणत ने माफी मांगी है। दरअसल कांग्रेस के कार्यकर्ता सिंधिया को काला झंडा दिखाने पहुंचे थे। कार्यकर्ताओं ने गाली दी और सिंधिया का दौरा था। बीजेपी कांग्रेस कार्यकर्ताओं में विवाद की तस्वीर रायपुर से सामने आई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने पुलिस वालों से माफी मांगी। पुलिस ने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर गाली देने का आरोप लगाया। इस बात पर पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने माफी भी मांगी है। सिंधिया को काले झंडे दिखाने के दौरान यह मारपीट हुई थी। पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच में, पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच में विवाद हुआ। तो आज रायपुर का दौरा था केंद्रीय मंत्री सिंधिया का। यहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ में संवाद किया, पत्रकारों से बातचीत हुई, लेकिन काफिले को काले झंडे दिखाने की कोशिश यहां पर की गई कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के द्वारा। उस बीच कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच में, बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच में विवाद हुआ और सिंधिया को काले झंडे दिखाने के दौरान ये तस्वीरें सामने आई है।